मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई टीच यू साइंस स्टैंडर्ड सेकंड चैप्टर 9 है एयर। एयर के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, एक्सरसाइज थी जिसमें पिक द करेक्ट ऑप्शन एंड टुडे जो वर्क है वो फ्लिंदा ब्रेंस है। तो फ्लिंदा ब्रेंस में यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है और उसके हिंट्स के लिए बॉक्स दिया गया है जिसमें कुछ वर्ड है जो आपको नीचे इस पैराग्राफ में फिल करना है। ओके, आप अपनी बुक में फिल कर लेना, अगर बुक नहीं है तो आप अपनी कॉपी में नोट करना। ओके सर, स्टार्ट अप। नाउ देयर इज इन द बलून, बलून में क्या होता है, आप यहाँ से क्या फिल करेंगे, एयर। ओके सो यहाँ पे आप एयर फिल करेंगे, ए आई आर। नेक्स्ट एयर, नेक्स्ट एयर हैज वाटर, वेपर इज फॉर्म्ड बाय द ऑफ द सन। जो एयर होती है, एयर में वाटर वेपर होती है, जलवाष्प होती है, ये किसकी वजह से होती है, सूर्य की गर्मी की वजह से। सो आप यहाँ हीट लिखोगे, एच ई ए टी। ओके, आपने इसको फिल कर लिया, इसको फिल कर लिया, अब ये बच्चा स्मोक। नेक्स्ट है द इन द एयर इज बैड फॉर हेल्थ, जो एयर में क्या होता है, स्मोक। सो आप यहाँ पे स्मोक फिल करें, एस एम ओ के। स्मोक जो होती है एयर में वो हमारी हेल्थ के लिए बुरी होती है, अच्छी नहीं होती है। ओके, आपने स्मोक भी फिल कर लिया। अब नेक्स्ट बचा प्लांट्स, तो यहाँ पे प्लांट्स गिव अस फ्रेश एयर। सो यहाँ पे आप प्लांट्स फिल करेंगे, प्लांट्स से हमें क्या, प्लांट्स हमें फ्रेश एयर देते हैं। ओके, वो प्लांट्स से हमें फ्रेश एयर प्राप्त होती है। ओके सो ये थे आपके फ्लिंदा ब्लैंक्स एक पैराग्राफ में, और ये सारे फिल हो गए बॉक्स की हेल्प से। ओके नेक्स्ट है, नेक्स्ट है यहाँ पे चूज एंड राइट द करेक्ट आंसर। यहाँ आपको, यहाँ भी एक बॉक्स दिया गया है जिसमें कुछ वर्ड दिए गए, इसको आपको चूज करना है और नीचे सेंटेंसेस में आपको फिल करना है। सो फर्स्ट है द स्मॉल शिप विच सेल्स इन द रिवर, छोटी नाव होती है जो नदी में चलती है, उसको क्या बोलते हैं, सेल बोट। ठीक है, सेल बोट यहाँ फिल करेंगे, एस ई आई एल बी ओ ए टी। ओके सेल बोट, आप अपनी बुक में इसको फिल कर लेना, अगर बुक नहीं है तो आप अपनी कॉपी में लिख लेना। नेक्स्ट है द डिवाइस विच शोज डायरेक्शन ऑफ माइंड, कौन सा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम डायरेक्शन का पता करते हैं। एक तो वेदर कॉक था और एक था विंड वेव, जब हम विंड वेव जब हम लोगों ने चैप्टर रीड किया था। सो आप यहाँ पे विंड वेव फिल करें, डब्ल्यू आई एन डी वी ए एन ई। ओके, विंड वेव बोलते हैं जिसको। नेक्स्ट है इट इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, हम किसका यूज करके बिजली का उत्पादन करते हैं, तो यहाँ पे विंड मिल होगा। ओके, विंड मिल जिसको बोलते हैं पवन चक्की। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, विंड मिल, डब्ल्यू आई एन डी एम आई डबल एल। ओके सो ये थे आपके चूज इन द राइट करेक्ट आंसर, जिसमें आपको वन वर्ड फिल करना था इस बॉक्स की हेल्प से। एंड इस चैप्टर में जो आगे क्वेश्चन आंसर है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, एंड जो आज का होमवर्क है वो आपको इसको लिखना है और लर्न करने में। ओके सो थैंक यू।